तो आज मैं आप लोग के लिए फिर से लेकर आ चुका हूँ भाई GTA 5, पर ये कोई गेम प्ले नहीं होने वाला है। आज हम लोग एक रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं। तो कल मैं YouTube पे बैठ के यार ऐसे वीडियोस देख रहा था और मेरे को एक बहुत बढ़िया वीडियो मिली, लॉस सांटोस 2044। मतलब पूरे 22 साल बाद भाई लॉस सांटोस में माइकल फ्रैंकलिन ट्रेवर क्या कर रहे हैं, तो बैठ के देखने वाला है भाई, मजा आने वाला है। और हाँ, ये एक फैन मेड वीडियो है पर बहुत ज्यादा बढ़िया है। अगर आप लोग भाई GTA लवर हो ना तो आपको देखने में बहुत मजा आएगा। तो भाई बहुत हो गई बातचीत, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी मैं यहां से इसको स्टार्ट करने वाला हूं और आप लोग देख सकते हो लॉस सांटोस 2044। पीछे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो लॉस सांटोस की बिल्डिंग्स नजर आ रही है, पर पूरी हाईटेक हो चुकी है भाई, उड़ने वाली गाड़ियां आ चुकी है। वैसे लॉस सांटोस में पहले भी थी पर चलती नहीं थी, पर यहां तुम लोग देख रहे हो उड़ने वाली गाड़ियां हैं यहाँ पे। ओके, सब कुछ एकदम अलग नजर आ रहा है। और ये कौन है भाई? ये तो अपना फ्रैंकलिन है, पर पूरा का पूरा बदल चुका है भाई। फ्रैंकलिन अंकल लग रहे हैं, फ्रैंकलिन नहीं लग रहा है, फ्रैंकलिन अंकल बन चुके हैं, क्योंकि भाई हो भी 20 साल गए। ओ भाई, चौप भाई यहाँ पे मर चुका है 2009-2025 में भाई इसकी डेथ हो गई है। ओके, तो यहाँ पे पहले चौप से स्टार्टिंग हो रही है। फ्रैंकलिन है यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, अपना फेवरेट भाई बंदा एक तरीके से, हम लोगों ने बहुत मज़े करे, अभी भी करते हैं भाई, बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया ये। पीछे मेरे को गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और तुम लोग यहाँ देख रहे हो रोबोटिक डॉग आ चुका है, क्योंकि 22 साल बाद भाई दुनिया कैसी होने वाली है ये सब इसमें दिखा रहे हैं भाई। रोबोट वाला डॉग आ चुका है, पहले फ्रैंकलिन के पास चॉप था पर अभी एक रोबोट डॉग है जो कि काफी बढ़िया है। आसपास देखने में लग रहा है कि भाई लॉस सांटोस में। और ये कौन है भाई? ओ भाई, ये तो ट्रेवर अंकल है भाई। ट्रेवर पूरा बदल चुका है, पर ये जिंदा कैसे यार? ये तो फ्रैंकलिन से भी काफी ज्यादा एज का था, माइकल से भी बड़ा था, पर ये अभी भी जिंदा है और अभी भी सड़कों पर ऐसे घूम रहे हैं जैसे भाई कुछ हुआ ही ना हो, पता नहीं यार। पर ट्रेवर भी पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका है। पर ट्रेवर, एक चीज नोटिस किया आप लोगों ने भाई, पूरे 22 साल हो चुके हैं पर ट्रेवर के कपड़े नहीं बदले। देखो, ट्रेवर जो कपड़े पहन के घूमता था आज भी वही कपड़े पहन के घूम रहा है। ओके, हरकतें भी नहीं बदले भाई इसकी। गाड़ियां रोकना गाड़ी वाले के सामने भाई। ओके भाई, ट्रेवर उसके सामने आया, ट्रेवर ने गाड़ी रोकी और उस बंदे को पीटा जैसे कि हमेशा करता है और गाड़ी छीन ली। देख रहे हो इसकी शर्ट पे साफ साफ ब्लड यहाँ पे नजर आ रहा है। ट्रेवर कभी नहीं बदलने वाला भाई, कुछ भी हो जाए ना ट्रेवर कभी नहीं बदलेगा। ट्रेवर जैसा है वो वैसा ही रहने वाला है, तभी ट्रेवर भाई सबका फेवरेट है। ओके, ट्रेवर के पास कोई मैसेज आया है ये। ओके, फ्रैंकलिन ने मैसेज किया है, हे आर यू स्टिल अलाइव ट्रेवर। ओ भाई, फ्रैंकलिन को भी लग रहा है कि भाई जिंदा विंदा है कि टपक गया, पर ट्रेवर कहाँ मरने वाला है भाई, ट्रेवर जिंदा है। ओके, जस्ट डोंट डाई अंटिल यू आर डाइड। ओके भाई, बहुत सही। ओके, तो अभी हम लोग आ चुके हैं हम सबके फेवरेट माइकल के घर पे। और एक बार माइकल की हालत देखो भाई, बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है। और मैं सही बताऊँ ना भाई, माइकल को बूढ़ा देख के ना मेरे को तो बुरा लग रहा है भाई, सच्चे में बुरा लग रहा है। किस किस को बुरा लग रहा है कॉमेंट में बताओ भाई। ये हम सबका फेवरेट बंदा है, तुम लोग देख रहे हो यार कैसा लुक बना रखा है, बिल्कुल माइकल जैसा लग रहा है। ओके, तो मुझे लगता है फ्रैंकलिन ने माइकल को भी मैसेज किया है, लेट्स मीट अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम। ओके, तो ये तीनों प्लान बना रहे हैं कि चलो फिर से मिलते हैं पुराने दिनों की तरह। भाई इतने सालों से मिले ही नहीं, मुझे लगता है काम वाम छोड़ के सारे लोग रिटायर हो चुके हैं, सारे लोग अपनी अपनी लाइफ जी रहे हैं। पर माइकल भाई बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है, ट्रेवर से भी ज़्यादा। और एक सेकेंड भाई, यहाँ पे टेनिस रैकेट रखे हैं, मतलब अमांडा अभी भी अपने कोच के साथ खेल रही है बतानी। और यहाँ देखो भाई, उड़ने वाली गाड़ियाँ, ये सबसे ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। एंड पीछे नाम लिखा हुआ है, शायद इन्हीं लोगों ने ये फैन मेड वीडियो बनाई है, बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया देखकर। आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी लग रही है। ओके, फ्रैंकलिन ट्रेवर भी आ चुका है, फ्रैंकलिन भी काफ़ी बूढ़ा लग रहा है यार, पर सबसे ज़्यादा तो माइकल बूढ़ा हो गया भाई। ओके, यहाँ पे लोग काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, माइकल भी आ चुका है भाई। माइकल को देख के ना सही में अलग सा लग रहा है भाई, माइकल बहुत ज्यादा बूढ़ा है, इन लोगों ने माइकल को ज्यादा बूढ़ा बना दिया है। ओके, तो यहाँ पे तीनों लोग बातचीत कर रहे हैं और मुझे लग रहा है कि ये दोनों अभी लड़ने वाले हैं, ये दोनों कभी नहीं सुधरने वाले। देखो यहाँ पे इन लोगों की लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है भाई, ये दोनों ना कभी नहीं बदलने वाले, ये हमेशा लड़ेंगे जहाँ पे भी साथ में रहेंगे, ये दोनों ना भाई साथ में लड़ने ही वाले हैं।
फ्रैंकलिन भी बोल रहा है भाई गलत इन दोनों को बुलाया, दोनों के दोनों भाई बदले ही नहीं है, अभी भी लड़ाइयां कर रहे हैं भाई, देख रहे हद है यार हद है भाई। ओके तो वीडियो हो चुका है खत्म, सिर्फ 3 मिनट का वीडियो था ये, पर वीडियो बहुत ज़्यादा मेरे को सही लगा, ये फैन मेड वीडियो था पर बहुत ही सही था। अगर ऐसा GTA वाले मतलब ऐसा रॉकस्टार वाले कुछ करते तो बहुत मज़ा आता, पर वो तो पता नहीं GTA 6 बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी है तो ऐसा कुछ नहीं करने वाले। पीछे लॉस सांटोस बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। तो आप लोग को भाई कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप लोग ऐसी और भी रिएक्शन वीडियो देखना चाहते हो तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, और हाँ अपना फेवरेट कैरेक्टर बताना बिल्कुल मत भूलना। मेरा तो भाई माइकल ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आप लोग का क्या है कमेंट में बताओ। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।